Hello students, good morning to all of. In our last video sessions I have completed. Today we are going to start next concentration term. What is the next concentration term? This is mole fractions based numerical. आज हम दोस्तों जो है न्यूमेरिकल जो करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न वो है आपका मोल फ्रैक्शंस या आप बोल सकते हो मोल प्रभाज। आज का जो टॉपिक है मोल प्रभाज है या उसको आप हिंदी में और बोल सकते हो मोल अंश, ठीक है, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। आओ देखते हैं किस प्रकार से इसको आज हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो है जो बेंजीन का बनाया गया है सॉल्यूशन, मींस यहां पर यह है कि बेंजीन विलेय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है, ठीक है। तो बेंजीन सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमको एक न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर और ये एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ पर हमको दिया क्या है, गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया हमारे पास में, सिर्फ हमको एक क्वांटिटी दी गई है 30% बेंजीन दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 30% बेंजीन, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बेंजीन, जो बेंजीन होता है वो 30% दिया है हमारे को, तो मींस यहाँ पर ये है कि 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगा, 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगा, और बेंजीन 30 ग्राम है तो जो बचा क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, वो क्वांटिटी बची होगी आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या लेंगे अपन यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसकी जो है क्वांटिटी कितनी होगी, 7 है ना, 70 ग्राम होगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो बनाया गया आपका 70 के अंदर, मतलब जो है टोटल जो सॉल्यूशन बना है तो वो बना सॉल्यूशन आपका कितना टोटल 100 के अंदर बना है, तो 30% मतलब कि यहाँ पर कि 30 ग्राम जो है आपका बेंजीन है, बचा क्या है आपका सॉल्वेंट बचा है, सॉल्वेंट कितना रहेगा आपका 70 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो ये 70 ग्राम हमारे पास में क्या बन गया, सॉल्वेंट, अंडरस्टूड। अब हमको यहाँ इसमें बात करना है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो किसी भी सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स टोटल सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व है उनकी हमको बात करनी पड़ती है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मींस यहां पर यह है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। आपको एक बार बता दूं इसके अंदर में कि जो हमारे पास बेंजीन होता है C6 और H6, ठीक है, इसका टोटल जो है आणविक द्रव्यमान कितना रहेगा, और आपके पास जो CCl4 है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है वो जो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वही उसका जो है आणविक द्रव्यमान होता है। अब कार्बन जो है लिख रहे हैं हमें, कार्बन जो है का द्रव्यमान 12 है और हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान 1 है, ठीक है, मतलब जो है मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर जो CCl जो होता है क्लोरीन 35.5, ये इनके क्या है मास है, ठीक है। तो अब इस बेस पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जब मास दिया गया है तो बेंजीन का जो आएगा 78, ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है, कितना आएगा 78 मोल इनवर्स, और इसका आएगा 154 मोल इनवर्स, ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो आप जो है सो कैलकुलेट कर लेना,
यहाँ पर सी कितने हैं, सिक्स है, तो आप 12 इंटू सिक्स करके प्लस यहाँ पर सिक्स ये करोगे आप यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या है 12 है प्लस 35.5 इंटू 5, तो ये करके आप जो है 4 टाइम करके आप जो है आपका आंसर ये आएगा, ठीक है 78 पर मोल और 154 पर मोल आपका ये रहेगा, ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया है इसके बारे में कि इसका जो है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन या मोलो जो बोलते हैं पर मोल, ठीक है। तो मोल फार्मूला क्या होता है, मोल फार्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये अपन इसको लिख सकते हैं। अब विचार करो इसके ऊपर कि आपके पास में जो है कितना क्वांटिटी है, आपके पास में जो है मास कितना दिया गया है, हमारे को वेट 30 ग्राम दे दिया गया है, तो 30 ग्राम अपॉन हमारे पास में कितना आ रहा है 178, क्या आ रहा है हमारे पास में 178 मीन 78 आएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर 78 आएगा आपके पास में, तो 78 तो आपके अगर डिवाइड करोगे तो आपका जो है कुछ आंसर इस तरह से आएगा 0.385 ग्राम पर मोल, कितना आएगा आपका, या आपको मोल्स लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी फंडा है इसका कि आपको निकालना क्या है, पहले फर्स्ट आपको निकालना है मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है। आपके पास में जो है मास कौन सा है, आपके पास में दिया गया है 30 ग्राम मास दिया गया है, अपॉन में आपके पास में क्या है उसका मोलिकुलर मास, यदि आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 0.385 मोल इनवर्स पर मोल है। इसी तरह से आप बात कर सकते हो इसके अंदर सीसीएलसी, ठीक है, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसका भी होगा मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। अब इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास, तो देख लीजिए आप क्या है हमारे पास में, इसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास में 154 आ रहा है, और इसका जो है होल टोटल मास कितना रहेगा, इसका होगा 70, ठीक है, तो 70 अपॉन क्या आएगा 154, ठीक है, ये आपके पास में क्या है 70 अपॉन 154 आया आपका, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 0.454 मोल, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा है कि 54 जो है 54 तो अपने नीचे रख दिया, आपको 70 से क्या करा डिवाइड किया है, तो हमको क्या मिल गया है मोल मिल गया है 0.454 पर मोल हमको इसके अंदर मिल गया है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करा है मोलर मास को कैलकुलेट कर लिया है, अब हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल प्रभाज के अनुसार, मोल प्रभाज के अनुसार, ठीक है, मोल प्रभाज के अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बात करना था, यहाँ पर हमको निकालना है मोल, और इस मोल को रखना क्या है मोल फ्रैक्शन के अंदर, हमको मालूम क्या करना है, हमारे को इसमें मालूम करना है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, बेंजीन का मोल प्रभाज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोल प्रभाज होता है जीटा, ठीक है, बेंजीन, जीटा बेंजीन इज इक्वल, ठीक है, यहां पर आएगा एन बेंजीन, ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन बेंजीन प्लस एन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, टोटल सॉल्यूट टोटल सॉल्यूशन रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका है। अब आपने जो है एन की क्वांटिटी आपने मालूम कर लिया है, अब एन क्या है हमारे पास में, एक एन तो ये निकला हमारे पास मोल, और सेकेंड एन क्यों निकला हमारे पास, ये मोल निकला है, तो इसके अंदर जो है आपको इसकी जो है वैल्यू को पुट अप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बात करेंगे अपन बेंजीन, बेंजीन का कितना है हमारे पास में आ रहा है 0.385 अपॉन नीचे भी बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों सॉल्यूशन है,
ठीक है, तो 0.385 प्लस जो है कितना आया था इसका आंसर जो है 0.454, ठीक है ये आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास आएगा ऊपर 0.385 अपॉन, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर 0.839, इसको ओपन जब गेट करेंगे इसको ओपन तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट अपन ने यहाँ लिख दिया आंसर 0.458। अंडरस्टूड? तो आपको जो है इस तरह से जो है क्या करना है, बेंजीन का जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 0.458, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट में आपको पूछूँ कि हमको करना क्या है, सॉल्यूशन इसके अंदर हमको निकालना क्या है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। अब करें कैसे, जो हमको क्वांटिटी दी जाती है उस क्वांटिटी से हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकालना पड़ता है। जब हम मोल निकाल लेते हैं तो उस मोल से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। जैसे हमने किया है बेंजीन को यहाँ पर परसेंटेज में लिया था सॉल्यूशन, तो हमने क्या कर लिया है इसके अंदर, हमने बेंजीन 30 ग्राम ले लिया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोल, ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान कितना लिया हमने, क्या होता है मोलर मास, क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है, 30/78 उसका जो है 0.385 मोल इनवर्स, ठीक है। फिर मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मास अपॉन मोलर मास 70/154, ठीक है। तो इसका मोल निकाल लिया अपन यहाँ पर, अब दोनों के मोल निकालिए। अब एक तो जिसको कैलकुलेट करना है तो वो तो क्या करेगा, सॉल्यूट बन जाए ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर भी दोनों क्वांटिटी हमको मिलाकर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एन बेंजीन अपॉन एन बेंजीन प्लस एन सी सी एल फोर, तो ये तो सॉल्यूशन बन गया और ये सॉल्यूट बन गया। निकालना क्या था हमारे को, सॉल्यूट निकाला था, उसकी क्वांटिटी निकाला था, उसका मोल फ्रैक्शन निकाला था, तो अपन ने उसको निकाल लिया है, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है 0.458। ओके, थैंक यू।